नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। भोपाल में महापौर निवास पर होने वाली चौपाल में आलोक शर्मा ने शहर के नागरिकों से रूबरू हुए उनकी समस्याएं जानी। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए समय सीमा तय करते हुए निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। चौपाल में बिल्डर की धोखाधड़ी का एक मामला भी सामने आया, जिससे सुनने के बाद महापौर आलोक शर्मा ने पीड़ितों को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। दरअसल कमलेश केलारसिया ने होशंगाबाद रोड पर अलंकार टावर में बिल्डर पराग मेहता और अजय मेहता को 10 लाख नकद और 15 लाख लोन लेकर करीब 26 लाख में दो प्लेट खरीदते थे। कमलेश केलारसिया को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिल्डर ने 6 मंजिला इमारत परमिशन नहीं ली है। बिल्डर की धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद कमलेश केलारसिया लगभग 3 साल से भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कलंगा टावर है, होशंगाबाद रोड पर टावर थी, वहाँ हमने फ्लैट लिए थे, दो फ्लैट लिए थे, 201 और 501 नंबर का। और उस फ्लैट में क्या है, धोखाधड़ी की गई थी उसमें बिल्डर की तरफ से। धोखाधड़ी ये थी कि उसने परमिशन नहीं ली और बना दिया उसको 6 मिलजुल। इसमें लोन भी था, लोन जो है करवाया, उसमें भी मिलजुल करके काम करवाया, पैसा लेने में भी उसने धोखाधड़ी की। इसको या तो एक नंबर में करवाएं पेनल्टी लगा कर करके बिल्डर के ऊपर, या हमारे जो भी पैसा है उसको वापस करवाया जाए। इकबाल मैदान सरदार मंजिल के पास अवैध रेत बेचने की शिकायत पर महापौर आलोक शर्मा संबंधित विभाग को उसे जब्त करने के लिए कहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में 200 प्लेटों को नीलाम किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग वहां रहकर व्यवसाय करने के लिए कहा जाएंगे। निगम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद महापौर आलोक शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में 1400 दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जाएगा। इकबाल मैदान है नगर निगम के पास भी, जो हमारा पुराना सदर मंजिल है, वहाँ पे कुछ लोग अवैध रूप से रेत का संग्रहण कर रहे हैं और वहाँ से रेत बेचते हैं, उनको जब्त करने के निर्देश अभी हमने दिए हैं। एक समस्या और आई है ट्रांसपोर्ट नगर की, वहाँ पे एक बिल्डर के द्वारा नाले के पास में जैसी जानकारी मिली है अवैध रूप से उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली है। पिछले समय उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, परंतु किसी कारण से वो कार्रवाई रुकी थी। और चूंकि ये सारा मामला रेरा में गया हुआ है, हमने वे जानकारी और दी है और बहुत ही जल्दी हम इसका परीक्षण करा रहे हैं। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।